हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हो? सो यार मैं बता रहा हूँ कुछ तरह की फोटो एडिटिंग जिसके अंदर आपको दिख रहा हो कितनी ज़्यादा डोप फोटो एडिटिंग है। एक मतलब एक जंगल में हम एंड उस चारों तरफ से हमारे डायनासोर वगैरह उड़ गए हैं, मतलब एक खा रहा है एक उड़ रहा है। सो इस तरह की फोटो एडिटिंग सीखने के लिए यार आपको कुछ नहीं करना, पूरी वीडियो जरूर से देखना। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे यार आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या स्टेप फॉलो किए गए। सो यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी इन फ्यूचर, मतलब लगेगी दो चार मिनट बाद, सो वीडियो को करना लाइक एंड चैनल में नए हो तो जरूर से करना सब्सक्राइब। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना होगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसको हम सबसे पहले यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे। सो गाइस ये फुल एचडी बैकग्राउंड जिसकी मतलब 25 से 20 एमबी का बैकग्राउंड है पूरा का पूरा। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे क्रॉप कर लूँगा, आप भी कर लेना। से क्रॉप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, फिर ड्रॉ टूल में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे बैक साइड करना, इसको ड्रॉ टूल में इसे ओपन कर लेना। सो यहाँ पे एक एडिट लेयर होती है। सो इस फोटो में इस लेयर पर हम फोटो को अपनी ऐड करेंगे। सो फोटो कुछ आपको इस तरह की मतलब इस तरीके से क्लिक करा लेनी, क्योंकि एक पैर ये देख सकते हैं मतलब पोज आप कुछ भी मार सकते हैं एंड ऊपर देखना है, एंड एक पैर जो होगा हमारा ऊंचा रखा होगा, ठीक है, ताकि हम ये जो नीचे पहाड़ है ना इस पर हम रख सकें अपने फोटो को। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करें, थ्री डॉट पर जाकर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो गाइस मैंने इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, अगर आपको नहीं पता बैकग्राउंड कैसे क्लियर करते हैं सो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वीडियो की लिंक दे रखी है मैंने जिसमें बताया है कि कैसे कैसे क्लियर करते हैं बैकग्राउंड को। सो यहाँ पर मैं इसको फोटो के ऊपर अपने एडजस्ट कर लूँगा। सो यहाँ पे मैं इसे डन कर दूंगा। सो मैं जाऊँगा एक इम्प्टी लेयर पे। सो सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेंगे, नीचे से इम्प्टी लेयर नहीं बनाते हैं, पहले इसका पहले का सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद मैं शू को हल्का हल्का सा इसको इरेज कर लूँगा यहाँ से इस तरीके से। सो इससे थोड़ा बहुत रियलिस्टिक से लगेगी फ़ोटो। सो यहाँ पर ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लग रही फोटो। हम इम्प्टी लेयर बना के इसमें फोटो नीचे रखेंगे एंड देन इसके बाद शैडो बना लेंगे। सो सबसे पहले मैं पेंसिल का साइज सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, थर्ड वाली पेंसिल को सिलेक्ट करके एंड देन अब यहाँ से मैं इसमें शैडो बना लूँगा हल्की सी। सो यहाँ पर ये शैडो बन चुकी है देख सकते हैं एंड मैं इसकी ओपेसिटी हल्की सी कम कर दूँगा यहाँ से एंड इसके बाद मैं एक और इम्प्टी लेयर बनाऊंगा जो कि शू के ऊपर ही शैडो बनाएंगे हल्के हल्के से। सो यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, इसको बैक करते हैं। सो यहाँ से हल्के से शैडो बनाएंगे इसकी शू के ऊपर इस तरीके से। सो इससे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसकी भी ओपेसिटी कम कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा पिक्स आर्ट के अंदर ये जो ड्रॉ टूल का काम होता है वो खत्म हो चुका है। सो फोटो को डन कर लेते हैं। सो अब मैं जाऊँगा ऐड फोटो के अंदर, जो हमारे पीएनजी है मेन पीएनजी उनको यहाँ पे ऐड करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पीएनजी है जो कि डायनासोर का पीएनजी है। सो यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगा अपनी फोटो पे, फुल लगा दूँगा इस तरीके से। सो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं इसको। सो जब ये लग जाए इसको डन कर लेना है, फिर जाएंगे हम इसके बाद ऐड फोटो की तरफ। सो इसे डन कर लेते हैं, अब जाते हैं ऐड फोटो की तरफ यहाँ से। ये वाला पीएनजी है, इसको काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगा इसको लगाने के बाद। सो एक ओवर ले आइए जंगलों का, मतलब पेड़ वगैरह का, ठीक है। सो इसको यहाँ लगाने के बाद यहाँ से जब मैं जाऊँगा यहाँ पे सिंपली ऐड फोटो की तरफ, इसको डन करके ऐड फोटो की तरफ जाऊँगा यहाँ से मैं, जो ऊपर से रोशनी आ रही है इस पर एक फ्लेयर लगाऊंगा, ये वाला लेंस फ्लेयर। सो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। सो सबसे पहले इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ से स्क्रीन कर दूँगा इस तरीके से एंड मैं इसको स्ट्रेच कर लूँगा इस तरीके से मैं, ये देखिए, एंड इसको फोटो के ऊपर लगा दूँगा यहाँ पे। सो इससे काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है फोटो के अंदर। सो अब ये वाले पेन वाइट पार्टिकल है इनको भी ऐड कर लूँगा। सो ब्लेंडिंग मोड सबसे पहले स्क्रीन कर दूँगा एंड फोटो के लेफ्ट साइड में लगा दूँगा इसको एंड इसकी जो भी हार्ड लाइन होती है उसको सिंपली इरेजर टूल में जाके इरेज कर देंगे एंड इसका डुप्लीकेट कर देंगे यहाँ से अब इसको एंड इसको फोटो के राइट साइड में लगा देंगे इस तरीके से। सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल रेडी सा हो चुका है, बिल्कुल डन हो चुका है। सो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक का फोटो जितना भी था, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अब इसमें मस्त वाली एडिटिंग करते हैं लाइट रूम के अंदर। सो यहाँ से फोटो को सेव कर लेते हैं, अब चलते हैं लाइट रूम की तरफ। सो गाइस यहाँ पे लाइट रूम में मैंने फोटो एडिट कर लिया है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें एक्सपोजर वगैरह छेड़ दूँगा। सबसे पहले एक्सपोजर इसका कम करते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इसका कम कर देता हूँ मैं एंड हाईलाइट भी इसकी हल्की सी बढ़ाएंगे, शेडो बढ़ा देंगे इसका, ठीक है, वाइट भी कम कर देंगे एंड ब्लैक भी कम, वाइट इसकी हल्की सी बढ़ाएंगे, ठीक है। सो अब मैं जाऊँगा यहाँ से मिक्स टूल की तरफ। सो यहाँ से ऑरेंज कलर होता है यहाँ पे, इसकी सैचुरेशन कम कर दूँगा यहाँ से एंड इसकी ल्यूमिनस बढ़ा दूँगा तो फेस में एक चमक आ जाए, ठीक है। सो येलो कलर की मैं यहाँ से ह्यू, ये देखिए येलो कलर की ह्यू मैं माइनस में रख लूँगा इस तरीके से एंड इसकी सैचुरेशन भी कम कर दूँगा यहाँ से, सैचुरेशन बढ़ा देंगे, ल्यूमिनस भी बढ़ा देंगे। सो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर को भी सैचुरेशन फुल कर दूँगा ताकि पेड़ पौधे जो हैं वो हाईलाइट हो जाए। सो इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे इसके बाद, ठीक है, एंड टिंट कम कर देंगे एंड विब्रेंस बढ़ा देंगे फोटो के अंदर, जितने भी कलर होते हैं ना विब्रेंस बढ़ाते हैं वो हमारे और सैचुरेट हो जाते हैं। सो विब्रेंस बढ़ा देंगे एंड लिटिल बिट इसकी सैचुरेशन कम कर देंगे इसके बाद।
सो इसके बाद में जाता है क्लियरिटी टूल पे, सो इसके अंदर क्लियरिटी आ जाएगी फोटो को की, सो इसको बढ़ा देंगे यहाँ से। एंड इसके बाद इसका डी एस बढ़ा देंगे, सो क्लियरिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ से, और विग्नेट इसका कम कर देंगे यहाँ से। सो यहाँ से मैं जाऊँगा इसमें येलो कलर की सैचुरेशन माइनस कर दूंगा ताकि ज़्यादा येलो येलो हो रहा है फोटो हमारा। सो इसे डन कर देंगे अब। सो यहाँ से मैं जाऊँगा स्प्लिट टोन की तरफ, सो यहाँ पे हाईलाइट का कलर दूंगा मैं यू इसकी 65% के करीब, एंड सैचुरेशन 10 या 50 के करीब। इसी तरीके से सैचुरेशन मतलब शेडो का कलर भी दूंगा यहाँ से। सो इसका बैलेंस चेक कर लूँगा यहाँ से, 30% रखूँगा प्लस 30 के करीब, ठीक है। सो अब इसमें ग्रेड नंबर लेंगे, साइज कम एंड रफनेस भी कम रखेंगे, बाकी शार्पनिंग बढ़ा लेंगे इस तरीके। सो गाइस हम यहाँ पे कर्व टूल का यूज़ करूँगा ताकि फोटो के अंदर जो डार्क एरिया आना है उन पे सब में फेड लुक आ जाए। सो सबसे पहले पॉइंट्स बना लेंगे इस तरीके से, एंड नीचे का जो पॉइंट होता है ना इसको ऊपर की साइड उठाएंगे, सो यहाँ पे फेड लुक आ जाएगा एक बढ़िया सा, एंड ऊपर वाले पॉइंट्स को उठाएंगे, सो इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगी फोटो, ठीक है। सो यहाँ पे इसे डन कर लेते हैं। सो अब सिलेक्टेड टूल पे जाएंगे, नीचे से ग्रेडियंट मार देंगे, सो जिसका मैं यहाँ पे एक्सपोजर तो कम करूँगा यहाँ पे, एंड इसके अंदर मैं क्लियरिटी बढ़ाऊंगा। सो क्लियरिटी बढ़ाते देख सकते काफ़ी अच्छी एकदम डिटेलिंग से आएगी फोटो के अंदर। सो अब यहाँ पे मैं इसका एक ये डायनासोर है इसकी भी क्लियरिटी बढ़ा दूंगा इस तरीके से, एंड इसको मैं एक्सपोजर बढ़ाऊंगा हल्का सा, एंड सैचुरेशन कम कर दूंगा। सो इस तरीके से दूसरा जो है वो डायनासोर उड़ने वाला इसकी भी कर देंगे, क्लियरिटी बढ़ा देंगे, एंड फेस पे भी एक सर्कल मार दूंगा ताकि फेस भी ग्लो हो जाए हमारा। सो यहाँ से इसे डन कर लेते हैं फोटो को। अब मैं इसकी कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दूंगा इसके बाद, सो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के देख सकते हैं फोटो में कितनी अच्छी चमक आ गई है यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे हमारी फोटो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइज देखिए बिफोर में हमारी फोटो की जिस तरीके से पिक्स आर्ट के अंदर, एंड लो जब हमने लाइट में इस पर कलर ग्रेडिंग करी बड़े वाली। सो देखिए बिफोर मतलब आफ्टर फोटो, बिफोर ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइज फोटो काफ़ी ज़्यादा रिलास्टिक सी लग रही है, आपको दिख रहा होगा। एंड आपको अगर ये फोटो एडिटिंग पसंद आई जाएगा कमेंट से जरूर बताना कैसे लगी, मतलब बताना जरूर यार अच्छा लगता है, एंड लाइक जरूर करना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, और सीखने को मिली है तो जरूर से लाइक करना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। सो और जितनी बैकग्राउंड है पेन जी सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय।